हेलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब, आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई, वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह। यान बनाते हैं, यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अभियान, अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। अभियान नहीं, जब ही देखो तभी यान, अभियान अभियान हर तरफ यान यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक है जो चलाते हैं अभियान। अभियान इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा, हमारे साथ। अब रिडीम कालड़ा भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैठा इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। डेजी जी, एफसी रॉकिंग नहीं, ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है, रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो, है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली हो सकता है, तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन, आगे सुन, और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए, और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे, और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल ना समझे। किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात भी, गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बउआ बोल रहे, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सही, क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है? हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका?
हाँ यार शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं है? कह रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता अरे दूं। तो भाई मुझसे क्या चाहता है, एक वो तो वही बता रहा बता। हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार सुन ऐसा। तो अभी लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं, हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, शादी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में करवाना। में हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है, दोनों फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, क्या करना फोटो का? अच्छा फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है। एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे, ग्लूकोज की बोतल दे ग्लूकोज की बोतल। दे मेहमानों को सुना, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल, अच्छा ठीक है, खाने में विटामिन सी की गोली, विटामिन सी की गोली खाने में। हाँ खाने भोजन में, और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं, बुफेट होता है ना बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा बुफे होता है वो। सॉरी, और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम अच्छा अच्छा लगे। चल ठीक आप है, लोग वर्णमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा, और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी, उसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में। दो इंजेक्शन लगा ले तेरे डाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा, सिस्टर इधर आओ, ऐसे मत अरे बोलिए। तोड़ दूंगा साले तेरी, फोन रख, वे डॉक्टर चल गया, बोल रहे हैं आप, दिमाग खराब कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे होंगे, नमस्ते। हेलो हेलो, कौन अंकिल जी, नमस्ते। भाई हाँ, आवाज कट कट के आ रही है आपको, आ रही है मेरी आवाज? मैं बहुआ बोल रही हूँ जी। हेलो हाँ बोल, कौन बहुआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के क्या दाम मतलब? बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे, गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं, यानी अंडे मिलते हैं, तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है, क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है हाँ। तो अंडे टमाटर मारेगा, अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा लोग अंडे मारेंगे। अच्छा नेता को बोले, वोट वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है, बात क्या करते लॉजिक यही तो? है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा, पूछो कैसे? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप, अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊँ कैसे? बिजली कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है, ऑमलेट। हाँ। ऑमलेट होता है नॉन वेज। हाँ। नॉन वेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में, नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं बताओ? माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे, माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद हो गई, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा, छींची मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते, जय माता जी। हेलो, ओ माय गॉड, इतना हॉर्न आवाज बहुत आ रही है भाई साहब पीछे। हेलो, आवाज आएगी भाई, रोड पे हो ना, कौन बोल रहा है? आप रोड पे आ गए, सुन के बुरा लगा। क्या बुरा लगा भाई, किस बात करनी है तुझे? आप रोड पे आ गए, मैं सुन के बुरा अबे तू काम क्या है, किससे बात करनी है बता? गलत बोल रहे हैं आप, पीछे उनको पहले सही बोलो, सुबह सुबह अपने पीछे इतना जेड से बाप का रोड है क्या? बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए एक सेकेंड। बता, प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था। तुझे जरूरत नहीं है भाई, जिस हिसाब से तू बात कर रहा, तुझे जरूरत है, बंद क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड बात कर लो ना भाई, बहुआ बोल लो, एक सेकंड तो रुको। अबे तो मैं तेरे को जानता नहीं, तो क्यों? एक सेकंड सुन लो ना भैया जी,
क्या क्या सुना रहा एक है? सेकेंड, कल मैं पागल खाने बता रहा हूँ ना, कल मैं पागल खाने गया तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मरीज को एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर के दे देते हैं। अच्छा, फिर वॉशिंग मशीन जानते हो ना जिसमें कपड़े धोते हैं? धोती मेरे घर पे, बता आगे बता। नहीं, आप रोड पे आ गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा वॉशिंग मशीन से। अपने तो बोले वॉशिंग मशीन पानी से भर के देते हैं मरीज को। फिर अच्छा। एक चम्मच देते हैं, एक गिलास देते हैं और एक बाल्टी देते हैं। हाँ। और फिर ये देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे। अच्छा, अब बताओ मैं क्या बताऊँ, नॉर्मल आदमी होता तो कैसे खाली करता? तो वॉशिंग मशीन तो भाई बाल्टी से खाली होगी ना, चम्मच और गिलास से थोड़ा ना खाली होगी। क्यों नहीं खाली होगी चम्मच गिलास से? गिलास और चम्मच से छोटी होती है ना। क्या हाँ कर रहा है? मैंने भी यही बोला डॉक्टर को कि बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच और गिलास तो छोटा होता है। तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? कि नॉर्मल आदमी जो है ना, मशीन के पीछे ड्रेन का पाइप होता है, स्विच। अच्छा, उसको घुमा के मशीन खाली करेगा, बाल्टी से तो उसको तुझे और कोई काम नहीं मिला। आप भी एक मरीज है, चले जा ली, तेरा खानदान होगा। वॉशिंग मशीन चम्मच ना, बाल्टी बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच गिलास छोटे होते हैं। गलत बोल के फोन काट रहे हैं और पीछे हॉर्न बजा रहे हैं। टेल देम डोंट बी हॉर्नी, 93.5 FM बजाते रहे। बोल रहे हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो अंकिल, नमस्ते। कोई बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बोलो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुँह से ही बोलते हैं। सॉरी, मैं कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है सर्दी। हाँ, सर्दी तो उस पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने भी सुनना भाई। हाँ भाई, एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है, रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? मेरे को छूकर कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे? कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ? मैं चाहते हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है, अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में ठंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद कुछ होना चाहिए। अब एक और सुन। हाँ, एक बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत ही बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, सब गलत करूंगा। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चले, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो, ये ठंडी वाली साइड ही है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके भाई। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं, हाँ बताइए किस लिए बात करनी है? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब?
दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर, दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ, इतने ज्यादा के गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम हो, वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए, क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा, हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ, हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट मेरे साले, एक बात बता तू। हाँ, मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना आप, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा, और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा, मेरी बात सुनी। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं, तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बनाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम, हाँ, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह सुबह मिले, देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कुछ काम नहीं आ तुझे, जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई, एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हो वडेरा, आप फोन काट के। नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। है? बनना चाहेंगे तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। यही नहीं करना है आपको? नहीं करना है। नहीं करना है? फिर क्या करना है? यू आर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको यू आर वेलकम बोल दिया। बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा, मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो अच्छा, आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा, तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी को एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, को इंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है, आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई, वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है, आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन दो मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर टू मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है, उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा, तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी, वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा है वैसे, घंटा अच्छा है।
आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? योर वेलकम। ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना नहीं बोलना ना भाई साहब नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप करता। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? योर वेलकम भाई साहब, योर वेलकम भाई साहब। 93.5 FM बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी, दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी, फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकिल। आठू तो क्यों रहे हैं जी? मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती। हाँ धरती गोल है। आठू गोल है। हाँ थूक क्यों रहे हैं? नहीं गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। थूक पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानता नहीं मैं। हाँ। अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आछू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है, खूबसूरत बोल के थूक थूकने। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है। हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो? तो सच कड़वा होता है। पागल है तू? तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। कंधा बोल रहा है। तू चाहता क्या? चाहता आप फोन काट दे, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आठू तू चाहता क्या? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है। हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते हैं और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप आठू। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। ये कौन? ये डांट रहे मुझे। क्यों डांट रहे आप? मैं तुझे बता रहा हूँ, जो तूने हरकत करी है, कोई बाल सवाल दूसरे घर का लड़का होता। अच्छा मेरा लौंडा नहीं होता। अरे क्यों लौंड? पेड़ बटांग देता उल्टा भाई साहब। हेलो। हेलो। सबसे पहले तो टीचर की कितनी वैल्यू होती जीवन में? टीचर की? हाँ जी बहुत वैल्यू होती है। वो छोड़ो, ज्ञान चक्षु खोलते और मेरे पापा मुझे शू से मार दिए। उसने ज्ञान चक्षु खोला, ये शू से मारा, मतलब क्या चक्कर क्या है? कल जाके उसके टीचर के बाप का नाम बदल के देखना। बट नहीं आप बताना कैसे लगता है। हेलो भाई साहब, आप ही डिसाइड करो। हेलो भाई बोल। आज जब पुरस्कार मिला मुझे यानी बउआ को, तो प्रिंसिपल ने टीचर ने सबके सामने बड़ाई करी मेरी कि ये कमाल का बेटा है। यही तो बकवास है, कमाल का बेटा है। हाँ, इसलिए मैंने अपने पापा का नाम अपने नाम कागज से काट के कमाल लिख दिया, क्योंकि मैं कमाल का लड़का हूँ, है कि नहीं? अबे वहाँ ज्ञान चक्षु खुलवाने का था, क्या खुलवाने का था? कमाल का मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा है। अच्छा क्रिकेटर सचिन भी कमाल का क्रिकेटर है। कमाल का है या इंडिया का है? मतलब सारे मेरे लौंडे हैं, कमाल में हूँ तो नहीं? उनका छोड़, अपना बता तू क्या क्या अभी सिचुएशन क्या क्या पिट रहेगा तू? हाँ मार दे ही है। तो पिट ले साले, तेरे से पिटने के लायक है। बिल्कुल वो बेटे। हाँ जी ये प्रिंसिपल जो है। हाँ क्या ये यो यो की फैन है? ओह मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो हंस रहा है, अपनी कर दो फिर भी हंस। अगर यो यो की फैन है तो फिर कमाल बात ठीक कही है। नहीं पर गाने तो कॉलेज में बन है। अच्छा आपने बाप से बात करा मेरी? हाँ जी बात करिए। हेलो। हेलो हाँ जी बताइए। अरे भाई साहब क्यों मार रहे हैं लड़के को? मेरा इस टाइम इतना दिमाग खराब है, मुझे जूते के आगे मुंडी चाहिए। आप ले आओगे इसे छोड़ दूंगा। आप आ जाओ फिर तो मार ले यार इसे। कमाल कौन अंकिल? अरे बाप बेटे दोनों के जूते मारूंगा। भाई सॉरी अंकिल, तू भी कमाल का बेटा है। तेरी मेरी नहीं कुछ नहीं। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं
फोन कट जा रहे थे बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे को नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोली। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़े ही बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए, चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो क्या बार बार मारूंगा साले, मुंह सूज जाएगा, पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा फिर मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी, आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया क्या? तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रहे हो उसी बीच में, तो क्या नहीं आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको? मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम? घर में नेटवर्क नहीं आ रहा तो घर बदल लेना भाई। मैडम मैं कैसी बेतुकी बात कर रही हूं, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हूँ आप। अरे मैंने बोले थे ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बिल्लियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाते। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है, 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। सड़क पे? हाँ जी मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा, तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे, किनारे पे हाँ। तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं वो, बोलते ना यू आर अ कूल गाय। हाँ मुझे एक गाय दिखी, मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट, तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया और वो दोस्त उस पे आ रहा था, वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया और फिर उसकी साइकिल भी, उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेने में साइकिल? एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों बताया बराबर गद्दी के लिए। हाँ फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आई डिडंट यार, दिल्ली बॉम्बे चेन्नई कलकत्ता ये कैसे सिटीज हैं? मेट्रो मेट्रो पे छोड़ दिया और सुनो मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया, वो क्या बोलते हैं हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। मैंने सीडी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं पट्टी कौन से कलर की होती है, पीली रेखा से पीछे।
एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा अचानक मेट्रो आ गई, और मेट्रो जब आई मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया, और जैसे मैं एंटर किया अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। उसी अनाउंसमेंट में, उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसे बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया, किसी अनजान से नहीं बोलना, तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक एक होता है सही दूसरा होता है तू मैं। मेरे पापा मेरे कान के नीचे दो क्या देते थे, रख के देते। हाँ तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड एफएम, वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बहुआ बल्लू, नमस्ते।